हेलो एस्पायरेंट्स, संडे 26 फेब की न्यूज आइटम्स देख लेते हैं। द हिंदू न्यूज़पेपर से हमने ये 15 न्यूज आइटम्स पिकअप की है, हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहली न्यूज आइटम है, पेस्ट ईट अवे 35% ऑफ टोटल क्रॉप यील्ड, सेज आईसीएआर साइंटिस्ट। तो ये इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के साइंटिस्ट है, इन्होंने एस्टिमेट किया है कि 30-35% जो हमारा क्रॉप प्रोडक्शन होता है इंडिया में, उतना वेस्ट हो जाता है क्योंकि वो पेस्ट खा जाते हैं, जो जो क्रिएचर्स होते हैं, जो पेस्ट होते हैं, जैसे निमाटोड्स मेजर पेस्ट होते हैं ये इंडिया में। तो ये माइक्रोस्कोपिक वर्म्स है, तो ये बहुत छोटे राउंड वर्म्स, थ्रेड वर्म्स, ईल वर्म्स वगैरह जो है, ये पेस्ट को खा जाते हैं। तो ये पेस्ट को अफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से मतलब पेस्ट इन्फेक्ट हो जाते हैं तो क्रॉप सड़ जाते हैं, तो उसकी वजह से क्रॉप यील्ड है वो कम हो जाता है। तो दे कॉज अ लॉस ऑफ 60 मिलियन टन्स, एक टन मतलब 1000 किलो, 1000 केजी, तो मिलियन मतलब 10 लाख, मतलब ये कितना है, 60 मिलियन, मतलब 6 करोड़ टन्स। 6 करोड़ टन्स मीन्स 1000 केजी, 6 करोड़ × 1000 केजी, दिस मच क्रॉप्स, इतना क्रॉप्स ये एनुअली बर्बाद करते, मतलब वो इसकी वजह से जो इंडिया के अंदर एग्रीकल्चरल बायोसेफ्टी कॉम्प्रोमाइज होती है, और इसकी वजह से फूड सिक्योरिटी जो इंडिया का है, कि इंडिया में सफिशिएंट फूड होना चाहिए, सबको मिले, वो भी अफेक्ट होता है। एक एग्जांपल भी जैसे उन्होंने दिया है कि ये जो निमाटोड्स है, वर्म्स है मतलब, तो ये पोटैटो सिस्ट निमाटोड है, इसको पहली डिस्कवर पहली बार किया गया था नीलगिरीज में, साउथ में, और अब ये काफी जगहों पे ये स्प्रेड हो चुका है कंट्री में। तो ये पेस्ट जब स्प्रेड होते हैं तो ये क्रॉप लॉस भी, हमारा क्रॉप यील्ड लॉस भी बढ़ रहा है। अगला न्यूज आइटम है, The lowdown on the TCS buyback offer. So, ये Tata Consultancy Services, TCS जो है, ये country की largest listed company है in terms of market capitalization. मतलब इतना market capitalization, मतलब कितने shares उनके in the market है. तो ये largest है उनमें से. तो ये इन्होंने buyback offer announce किया है. तो this is India's biggest buyback offer. तो buyback offer क्या होता है कि shares, मतलब market में capitalize कैसे करते हैं, shares issue करते हैं. तो जब shares issue करते हैं तो ये shares लोग खरीदते हैं. तो वो लोग खरीदते हैं तो पैसा कंपनी को जाता है, तो कंपनी मार्केट में से कैपिटल उठाती है। तो अब बायबैक मतलब ये शेयर्स जो टीसीएस के लोगों के पास है, वो टीसीएस उनसे फिर से खरीद लेगी, बायबैक, बाइंग इट बैक, रिटर्न खरीद रही है। तो इसके लिए उन्होंने शेयर्स की वैल्यू डिसाइड की कि दे विल बाय बैक एट 2850 पर शेयर, तो ये प्राइस पे वो बाय करेंगे। तो एक्चुअली प्रेजेंटली जो क्लोजिंग प्राइस है स्टॉक एक्सचेंज पे शेयर्स की, टीसीएस के शेयर्स की, फरवरी 20 को ये 2506.5 था। तो ये मतलब 2850 पे सेल करेंगे, मतलब जो शेयर होल्डर्स है उनको एक प्रीमियम अमाउंट मिलेगा, मतलब प्रॉफिट मिलेगा, ये 13.7% का प्रॉफिट बनता है ये। तो ये और प्लस प्रेजेंटली भी वो शेयर्स के वैल्यू थोड़े गिर भी गए हैं, तो इससे और ज्यादा हो जाता है, ऑलमोस्ट 15% तक प्रीमियम अमाउंट चल जाता है, तो ये उनको बेनिफिट मिलेगा। तो ये जो है 5.61 करोड़ इक्विटी शेयर्स उन्होंने प्लान किया है कि हम बायबैक करेंगे ये प्राइस पे। तो ये इतने करोड़ शेयर्स मतलब ये ओनली 2.85% है, मतलब कंपनी का जो टोटल इक्विटी है, शेयर्स है, उनमें से ये सिर्फ 2.85% ही बाय करने वाले, तो इतना ही अमाउंट वो बाय करने वाले, ये अनाउंस किया। तो ये बायबैक क्यों अनाउंस किया है, क्या मतलब है इसका? तो ये होता है कि जो शेयर होल्डर्स है उनको प्रीमियम भी मिल रहा है, मतलब शेयर होल्डर्स को फायदा हो रहा है, मींस कंपनी शेयर होल्डर्स को फायदा भी देना चाहती है, प्लस कंपनी खुद के शेयर्स खुद ले रही है, मतलब उनके पास कैश पाइल अप है। तो वही है, टीसीएस के पास कैश पाइल बहुत ज्यादा है, दिसंबर 31, 2016 में ये 38,000 करोड़ रुपीज उनके पास था, तो वो अपना पैसा यहाँ ऐसे डाल रहे। तो ये उनका इनिशिएटिव ये है। जो क्यों ये किया जाता है, क्योंकि अगर प्रॉफिट्स है बैंक कंपनीज के पास, उनके पास उनको प्रॉफिट्स है, मतलब वो प्रॉफिट्स को उनको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, शेयर होल्डर्स है तो शेयर होल्डर्स को भी प्रॉफिट मिलना चाहिए। तो जब वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो डिविडेंड्स दिया जाता है उनको, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना को डिविडेंड्स कहते हैं। तो डिविडेंड जब वो शेयर करेंगे तो उनको टैक्स पे करना पड़ता है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स गवर्नमेंट इम्पोज करती है, तो वो 20% तक होता है, और 20% से भी ज्यादा हो जाता है कभी। तो ये इतना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स कंपनी को भी पे करना पड़ता है, प्लस शेयर होल्डर्स जो डिविडेंड्स रिसीव कर रहे हैं, तो अगर उनका डिविडेंड अमाउंट 10 लाख से ज्यादा हो जाता है तो उनको 10% टैक्स उनको भी पे करना पड़ता है। तो ये अवॉइड करने के लिए अगर ये बायबैक ऑफर देंगे तो उसमें कोई टैक्सेशन नहीं होता है, और शेयर होल्डर्स को भी प्रीमियम मिल रहा है, और ना कंपनी को टैक्स पे करना है, और ना
शेयर होल्डर्स, तो ये उनका ये इनिशिएटिव अभी उन्होंने लिया है। अगला न्यूज आइटम है व्हाई इंडिया नीड्स द रूबेला वैक्सीन। तो ये कंजेनिटल रूबेला सिंड्रोम जो है ये इंडिया में इस रूबेला वायरस से होता है, तो इसको एलिमिनेट करने का, और मीजल्स जो भी रूबेला वायरस से ही होती है, तो ये दोनों को एलिमिनेट करने का टारगेट इंडिया ने रखा है बाय 2020। तो ये डिजीजेस हमको एलिमिनेट करने हैं, और जो डिजीजेस हम ऑलरेडी एलिमिनेट कर चुके हैं जैसे कि पोलियो, 6 साल पहले ऑलरेडी डिक्लेयर हो गया इंडिया इज पोलियो फ्री। इवन मटर्नल न्यूनेटल टेटनस और यॉर्स, ये दो डिजीजेस से हम एलिमिनेशन अनाउंस किया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अप्रूव किया इन 2016। तो ये हम फ्रीइंग आवरसेल्व्स फ्रॉम डिजीजेस, ये इनिशिएटिव्स हम ले रहे हैं। यॉर्स एक बैक्टीरियल डिजीज है, तो ये इन्फेक्शियस बैक्टीरियल डिजीज है, तो इससे स्किन, बोन्स, कार्टिलेजेस, जॉइंट्स ऐसे अफेक्ट होते हैं, तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। तो इससे हम फ्री हो चुके हैं, अब हम चाहते हैं कि मीजल्स रूबेला फ्री भी हो जाए कंट्री। तो इसीलिए जो मीजल्स वैक्सीन तो ऑलरेडी कंट्री में दिया जाता है चिल्ड्रन को, तो अभी फर्स्ट टाइम रूबेला वैक्सीन भी इसके साथ दिया जाएगा। तो रूबेला वैक्सीन इसके साथ पिगीबैक होगा, मतलब इसके साथ मीजल्स के साथ ही दिया जाएगा, मतलब जो ये इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम होगा साथ में इनका दोनों का होगा। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एस्टिमेट्स के हिसाब से भी अगर एक सिंगल डोज भी रूबेला वैक्सीन का दिया जाता है तो 95% से ज्यादा इम्यूनिटी मिल जाती है रूबेला डिजीज से। तो ये कंजेनिटल रूबेला सिंड्रोम जो है उनको हम टारगेट कर रहे हैं। तो कंजेनिटल मतलब जो बर्थ पे होता है, मतलब बाय बर्थ होता है, तो रूबेला बाय बर्थ होता है जब प्रेग्नेंट वुमेन जो होती है वो रूबेला वायरस से अफेक्टेड होती है, तो उसी वजह से फीटस को अफेक्ट होता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है वुमेन इफ इन्फेक्टेड है इन द अर्ली स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब फर्स्ट 3 मंथ में, तो 90% चांस होते हैं कि ये फीटस को भी ट्रांसमिट होगा, और इसकी वजह से फीटस में हियरिंग इम्पेयरमेंट हो सकता है, आई हार्ट डिफेक्ट्स हो सकते हैं, ब्रेन डैमेज हो सकता है, कभी कभी स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन भी हो जाता है या फीटल डेथ हो जाती है। तो ये कंसर्न होते हैं। तो ये मीजल्स जो है वो हाईली इन्फेक्शियस है, और ये बहुत बच्चे इससे मर भी जाते हैं मीजल्स की वजह से। तो इसमें फीवर, रैशेस वगैरह होते हैं मीजल्स में, ये वायरल इन्फेक्शन है। और जो रूबेला है वो माइल्ड वायरल इन्फेक्शन है, तो ये भी बच्चों में होता है और एडल्ट्स में भी होता है, जैसे हमने अभी देखा कि प्रेग्नेंट वुमेन में भी होता है। तो इन दोनों को हम टारगेट कर रहे हैं साथ में। तो ये इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो वैक्सीन होगा वो डेवलप किया जाएगा इंडिया में, तो इंडिया में एक ही डेवलपर है ये वैक्सीन का फिलहाल, वो है पुणे बेस्ड सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो ये सिंस ओनली मैन्युफैक्चरर, इसीलिए ये वैक्सीनेशन कैंपेन जो है वो फेजेस में होगा। तो इनिशियल फर्स्ट फेज में थोड़े स्टेट्स को इंक्लूड किया गया है, और ग्रेजुअली 4 फेजेस करने के बाद 18 मंथ्स में पूरा कंट्री कवर हो जाएगा बाय दिस रूबेला वैक्सीन। तो ये हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये है कॉन्जेनिटल रूबेला सिंड्रोम के बारे में जो हमने अभी देखा, और ये होता है मीजल्स। तो ये भी रूबेलो वायरस जो है, रूबेला वायरस उससे ही होता है, पर ये हाईली कंटेजियस वायरल इन्फेक्शन है, इससे थ्रोट, एयरवेज, लंग्स, स्किन अफेक्ट होती है। और रूबेला जो है वो अक्यूट है पर माइल्ड है, माइल्ड इन्फेक्शन है कंपेयर्ड टू मीजल्स। अगला न्यूज आइटम है व्हाई द बैरन आइलैंड वॉल्केनो इरप्ट्स। तो ये बैरन आइलैंड वॉल्केनो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में, ये इंडिया का ओनली सिर्फ एक लौता एक्टिव वॉल्केनो है। तो मतलब यहाँ वॉल्केनिक इरप्शन होते हैं, नहीं तो वॉल्केनोज डॉर्मेंट होते हैं, मतलब स्लीपिंग में है, स्लीपिंग मोड में, वो काफी जमानों से इरप्ट ही नहीं होते या तो इनएक्टिव हो जाते हैं, मतलब वो एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज हो जाते हैं। तो ये जो है ये ओनली एक्टिव वॉल्केनो है, और रिसेंटली भी यहाँ पे वॉल्केनिक एक्सप्लोजन हुआ, इरप्शन हुआ, जिसमें लावा और ऐश बाहर डिटेक्ट हुआ है, हो रहा है ये। तो ये जैन में हुआ। और बैरन आइलैंड जो है, जैसा नाम इसका है बैरन है, मतलब ये अनइनहैबिटेड आइलैंड है, यहाँ पे कोई वेजिटेशन ज्यादा कुछ होता नहीं है, पर टूरिस्ट को यहाँ परमिट दी जाती है, तो दे कैन बाय परमिट दे कैन विजिट दिस। तो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है ही ये पोर्ट ब्लेयर, जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का कैपिटल है, पूरा रीजन टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, तो यहाँ प्रायर परमिशन से टूरिस्ट जाते हैं, और यहाँ पे मतलब टूरिस्ट अट्रैक्शन यही है वाटर स्पोर्ट्स जैसे स्कूबा डाइविंग वगैरह, और यहाँ पे बहुत एक्वाटिक लाइफ काफी वैरायटी है, यहाँ पे वाइड वैरायटी है, तो इसीलिए यहाँ पे ये टूरिस्ट विजिट करते हैं। और ये जो वॉल्केनिक इरप्शन भी हो रहा है ये बहुत माइल्ड है, मतलब जो वॉल्केनिक इरप्शन के लिए ये इंडेक्स होता है वॉल्केनिक एक्सप्लोसिविटी इंडेक्स, तो ये रैंक करता है वॉल्केनिक इरप्शन को 1 to 8 के स्केल पे।
डिपेंडिंग ऑन द क्वांटिटी ऑफ वॉल्केनिक मटेरियल, क्या वॉल्केनिक मटेरियल कितना निकला या क्या स्ट्रेंथ से फोर्स से निकला, तो उस बेसिस पे ये इंडेक्स पे स्केल किया जाता है. तो ये 8 मतलब बहुत हाई वॉल्केनिक एक्सप्लोसिविटी है. तो ये जो प्रेजेंट इरप्शन भी था वो 2 स्केल पे 2 है, तो नंबर 2 पे है, मतलब माइल्ड एक्सप्लोजन है, इतना हाई एक्सप्लोजन नहीं होता है. और फर्स्ट टाइम ये वॉल्केनो जो एक्सप्लोड हुआ था वो डिटेक्ट किया गया था, रिकॉर्ड किया गया था फर्स्ट टाइम इन 1787. उसके बाद 100 साल में 1887 तक एटलीस्ट 5 बार इरप्ट हुआ है. उसके बाद एक सेंचुरी तक, मतलब 1987 तक, 1990s तक एक्चुअली ये साइलेंट रहा, कोई एक्टिविटी नहीं थी, कोई इरप्शन नहीं हुआ. और फिर 1991 में एक मासिव इरप्शन हुआ, तो स्मोक इधर से निकल रहा था टिल 6 मंथ्स, तो मतलब इतना मासिव इरप्शन ये था. फिर उसके बाद अगेन 2-3 साल में हर बार ये होते रहता है, इरप्शन होता है पर माइल्ड होता है. तो ये फेब 2016 में लास्ट हुआ था और अब ये जैन 2017 में इरप्ट हुआ है. तो उस बारे में ये न्यूज है. और इस इरप्शन से दो माइल्ड है, पर इस इरप्शन से एनिमल स्पीशीज वगैरह को अफेक्ट होता है, काफी सारे बर्ड स्पीशीज है वो भी कम हो गए यहाँ पे उसकी वजह से. तो ये कॉन्सिक्वेंसेज है. और साइंटिस्ट को और रिसर्चर्स को ये भी एक कंसर्न है कि क्योंकि ये बार बार इरप्ट हो रहा है, मतलब काफी स्ट्रेस और प्रेशर में है, जिसकी वजह से एक मासिव इरप्शन भी हो सकता है प्रोबेबली इन द फ्यूचर. तो वही है, यहाँ पे स्टडीज उस पर भी हो रही है. और जैसे ये दिया गया है कि ये इवन ओनली एक्टिव वॉल्केनो है सुमात्रा म्यांमार, पूरे चेन ऑफ वॉल्केनोस जो है सुमात्रा से म्यांमार ऊपर है, म्यांमार से लेके अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से लेके सुमात्रा जो इंडोनेशिया में आता है, तो एक पूरे चेन ऑफ वॉल्केनोस है. यहाँ पे सिर्फ ये बैरन आइलैंड वॉल्केनो ही एक एक्टिव वॉल्केनो है, ओनली एक्टिव वॉल्केनो. और ये इमर्जेंट समिट है, मतलब जो अंडर आइलैंड है, मतलब कि ये टॉप ऑफ द माउंटेन है. समिट मीन्स टॉप ऑफ द माउंटेन, जो वाटर बॉडी से इमर्ज हो रहा है, तो इमर्जेंट समिट है ये. और ये 3 किलोमीटर वाइड आइलैंड है, मतलब ज्यादा बड़ा नहीं है बैरन आइलैंड. और इसमें से 2 किलोमीटर तो एक कैल्डेरा है, तो कैल्डेरा मतलब वॉल्केनिक क्रेटर. तो जब वॉल्केनिक माउंटेन का टॉप जब एक्सप्लोड होके फॉल डाउन हो जाता है, तो एक बड़ा सा हॉलो गैप बन जाता है उसमें, उसको बोलते हैं कैल्डेरा. तो ये वॉल्केनिक कैल्डेरा ही 2 किलोमीटर वाइड है 3 किलोमीटर में से. तो ये है वॉल्केनो कैल्डेरा, जैसे आप देख सकते हैं. ये क्रॉस सेक्शन दिखाया गया यहाँ पे, एक्चुअली ये कट करके दिखाया गया, एक्चुअली ये पूरा होगा, मतलब ये पूरा फुल सर्कल होता है. ये भी कैल्डेरा है जैसे, तो अंदर क्या है वो दिखाने के लिए ऐसे क्रॉस सेक्शन दिखाया है. फिशर वॉल्केनो होता है, फिशर मतलब ये सिर्फ एक लाइन है, गैप है, उधर से पूरा लावा एमिट हो रहा है, तो जेंटल स्लोप पे ये लावा इरप्ट होता है. फिर ये है शील्ड वॉल्केनो, ये आइसलैंड इसका मेजर एग्जांपल, इवन डेक्कन प्लेटो जो है तो लावा से फॉर्म हुआ है, तो ये फिशर वॉल्केनो ही था. और ये शील्ड वॉल्केनो, तो मतलब यहाँ पे भी जेंटल स्लोप है, ये सब देख सकते हो. और यहाँ से वॉल्केनो इरप्ट हो रहा है, यह सर्क्युलर ऐसे इरप्शन, ये फिशर नहीं है, सर्कुलर. फिर ये डोम वॉल्केनो है, तो ये डोम शेप है जैसे आप देख सकते हैं. फिर ये है एश सिंडर वॉल्केनो, तो सिंडर मींस बर्निंग कोल या वुड, ऐसे वो मटेरियल जो फिसिबल मटेरियल है, वो बर्निंग मटेरियल जो होता है उसको सिंडर कहते हैं. तो सिंडर और एश का मिक्स जब ये वॉल्केनो होता है, तो एश सिंडर वॉल्केनो इसे कहते हैं. फिर ये कंपोजिट वॉल्केनो है, जिसके ब्रांचेस भी यहाँ पे आप देख सकते हैं. और ये है कैल्डेरा वॉल्केनो, तो कैल्डेरा में जब ये पूरा ऊपर टॉप कोलैप्स हो जाता है और बड़ा सा ऐसे ये सर्कुलर बन जाता है, उसको कहते हैं कैल्डेरा. ये बैरन आइलैंड है, कैल्डेरा वॉल्केनो, बैरन आइलैंड यहाँ लोकेटेड है. तो अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स जो है, मेजर आइलैंड्स यहाँ है नॉर्थ, मिडल, साउथ एंड लिटिल अंडमान. पोर्ट ब्लेयर यहाँ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का कैपिटल है, और ये बैरन आइलैंड है. अगला न्यूज आइटम है, देयर इज मोर टू कम इन द क्रिस्पर स्टोरी. तो ये क्रिस्पर CS9 टेक्निक जो है, ये जीन एडिटिंग टेक्निक है. इसको हमने कई बार डिस्कस किया SNT बेस्ड न्यूज में. तो ये जीन एडिटिंग मतलब जब एक आइसोलेटेड डीएनए है, तो डीएनए कंप्राइजेस ऑफ वेरियस जीन्स. ये हमने कई बार डिस्कस किया है कि कैसे न्यूक्लियस में, सेल के अंदर न्यूक्लियस में क्रोमोजोम्स होते हैं, क्रोमोजोम्स आर मेड ऑफ दिस डीएनए, और डीएनए के अंदर जो वेरियस जीन्स होते हैं, तो ये जीन, कोई एक जीन पर्टिकुलर कुछ निकालना है, तो उसको आप ये क्रिस्पर CS9 टेक्निक से ये कट कर सकते हैं. इतना पार्ट कट करना है, ये कट कर लिया, नया पार्ट ये है, इसको पेस्ट करना है, पेस्ट कर दिया. तो दिस इज अ जीन एडिटिंग टेक्निक, क्रिस्पर CS9. तो ये जो इनिशिएटिव लिया गया, ये इन्वेंट किया गया, तो ये जो है इसके लिए पेटेंट के लिए वॉर हो रहा है. तो ये 2012 में बर्कली, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया इन बर्कली, इन्होंने इसके लिए पेटेंट इनिशिएट किया. तो उन्होंने बताया कि कैसे ये क्रिस्पर CS9 से आप प्रिसाइसली एक आइसोलेटेड डीएनए को कट कर सकते हैं. पर जो ये ब्रॉड इंस्टीट्यूट है,
ब्रॉड इंस्टीट्यूट ऑफ हार्वर्ड एंड एमआईटी इन कैम्ब्रिज मैसाचुसेट्स। तो ये जो ब्रॉड इंस्टीट्यूट है, इन्होंने बाद में ये बताया कि ये टेक्निक को, क्रिस्पर सीएस9 टेक्निक को आप कैसे यूकैरियोटिक सेल्स, तो सेल्स जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, ऑर्गेनिजम्स ही दो टाइप के होते हैं, मतलब जो प्रिमिटिव सेल्स होते हैं, जो प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स में, तो वो प्रोकैरियोट्स बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं जैसे अमीबा वगैरह, और जो यूकैरियोटिक सेल्स है वो एडवांस सेल्स, ह्यूमन बॉडीज वगैरह सेल्स है, प्लांट्स एनिमल्स ह्यूमंस, वो यूकैरियोटिक सेल्स है। तो ये जो यूकैरियोटिक सेल्स है, इनके डीएनए को एडिट करने के लिए ये टेक्निक कैसे यूज कर सकते हैं, मतलब कट करके पेस्ट करो, वो इन्होंने ब्रॉड इंस्टीट्यूट ने बताया 2013 में। तो इसीलिए अब दोनों पेटेंट के लिए फाइट कर रहे हैं। तो ये वॉर, पेटेंट वॉर, यूएसए में पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस, इन्होंने अभी अपना रूलिंग दिया और ये वर्डिक्ट ये है कि ये ब्रॉड इंस्टीट्यूट को इन्होंने दे दिया है पेटेंट, कि ये क्रिस्पर सीएस9 टेक्निक इन यूकैरियोटिक सेल्स के लिए यूज करने के लिए पेटेंट ब्रॉड इंस्टीट्यूट को अवार्ड किया गया। तो ये बर्कली इसके लिए फाइट कर रहे हैं, क्योंकि जो क्रिस्पर सीएस9 टेक्निक ओरिजिनली है सिंपली एज इट इज, वो इन्होंने बताया था। तो ये कह रहे हैं कि अगर ये पेटेंट अब तक हमको देने का वो भी चल रहा है, इज इन द प्रोसेस, तो अगर ये ओनली क्रिस्पर सीएस9 टेक्निक का पेटेंट हमको मिलेगा, तो फिर यूजिंग इट फॉर यूकैरियोटिक सेल्स भी तो उसके बाद है, तो वो भी हम अगर कोई यूज कर रहा है उसके लिए, तो मतलब हम दोनों का परमिशन लेना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, और ऑलरेडी इसके लिए भी वो अपील में भी जा सकते हैं। तो अभी तो वर्डिक्ट आया है, फिर इसके लिए अपील भी हो सकती है, तो आगे क्या डेवलपमेंट्स होंगे, अगर कोई प्रोग्रेस होगा तो वी विल गेट इन न्यूज, हमको पता चलेगा, पर प्रेजेंट स्टेटस ये है। और ये पेटेंट सिर्फ यूएसए में अवार्ड किया गया, पेटेंट अवार्ड किया गया मतलब ये टेक्निक यूकैरियोटिक सेल्स के लिए सिर्फ ब्रॉड इंस्टीट्यूट ही यूज कर सकती है, और किसी और को यूज करना है तो उनसे परमिशन लेके, उनको जो भी अमाउंट है बाय करके, वो करके ही उनसे कर सकते हैं, मतलब उनका एक्सक्लूसिव राइट है, पेटेंट मतलब एक्सक्लूसिव राइट। तो ये होता है, तो ऑलरेडी इन्होंने यूरोप में भी फाइल किया गया, तो ये सिर्फ यूएसए कंट्री वाइज होता है ये, तो ये ऑलरेडी यूरोप में भी दोनों ने सिमिलर पेटेंट्स फाइल किए हैं, तो वहां पे भी अभी वॉर चल रहा है, वहां पे वर्डिक्ट अब तक आया नहीं है, तो वो भी हमको पता चलेगा आगे क्या डेवलपमेंट्स होगी। तो क्रिस्पर सीएस9 एक्चुअली जो है, क्रिस्पर का मतलब होता है क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स, तो मतलब ये वो है एक्रोनिम है इसके लिए, और ये सीएस9 जो इसमें है तो वो है एक एंजाइम, तो एंजाइम जिससे डीएनए कट कर सकते हैं, तो ये सीएस9 एंजाइम की जगह और भी एंजाइम्स है जो यूज कर सकते हैं, तो एक अट्रैक्टिव अल्टरनेटिव जो है वो है सीपीएफ1, तो इसके लिए जो पेटेंट है वो तो क्रिस्पर सीएस9 के लिए है, तो अगर सीपीएफ1 जो है वो एंजाइम यूज करेंगे तो ये सिंपलर भी है, और ये सिंपलर टू यूज भी है और ज्यादा एक्यूरेट भी है, तो ये भी यूज कर सकते हैं। तो ब्रॉड इंस्टीट्यूट ने ऑलरेडी इसके लिए भी पेटेंट फाइल कर दिया फॉर सीपीएफ वन की, पर अभी और एंजाइम्स ऐसे पॉसिबल है, इसके भी रिपोर्ट्स आ रहे हैं, तो फिर इसके लिए कितना पेटेंट बेनिफिशियल रहेगा वो अलग क्वेश्चन है, क्योंकि अलग टेक्निक यूज करके आप कर सकते हैं, उस पर पेटेंट नहीं है, तो वही काफी रिसर्चेस इसमें चल रहा है और काफी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं यूजिंग दिस क्रिस्पर सीएस9 टेक्निक, क्योंकि काफी इससे बेनिफिट्स हो सकते हैं डिजीजेस यू नो के लिए, और न्यू ऑर्गेनिजम्स वगैरह जो जनरेट करने के लिए काफी इसमें लाइफ स्टॉक ट्रीटमेंट वगैरह के लिए ये टेक्निक कई जगहों पे यूज की जा रही है, तो टेक्निक्स काफी साइंटिस्ट इसको ऑलरेडी यूज कर रहे हैं। तो ये प्रेजेंट न्यूज है, बट वही है कि ये वॉर अब तक ओवर नहीं है, इसके ऊपर और डेवलपमेंट्स होंगे हमको पता चलेगा, पर फिलहाल ये जो था न्यूज स्पेसिफिकली यूएस बेस्ड था, यूएस में पेटेंट जो अवार्ड किया गया। अगला न्यूज आइटम है डार्कनेट रोबस्ट फॉर लैक ऑफ रिच क्लब्स। तो अब ये डार्कनेट क्या होता है, तो इंटरनेट हमको पता है, तो ये डार्कनेट भी कोई चीज होती है, तो ये जो इंटरनेट जो हम जानते हैं उसको क्लियर नेट बोला गया, जैसे तो दिस इज द हाईली एक्सेसिबल, जो इजीली हम एक्सेस कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, जो कंटेंट सोशल मीडिया पे सर्च इंजिन पे वो हमको दिख जाता है, उसको क्लियर नेट कहते हैं। इसके अलावा और भी है चीजें जो अंदर है, तो इसको कहते हैं डीप वेब जैसे है, तो डीप वेब मतलब साइट्स है जो इंटेंशनली रिक्वेस्ट करती है कि सर्च इंजिन उसको स्किप करें, उनको नहीं बताए सर्चेस में, तो या तो उनको एक्सेस करने के लिए क्रेडेंशियल्स चाहिए वगैरह, मतलब प्रोवाइड करो आप पासवर्ड वगैरह या कुछ, तो आप वो एक्सेस कर सकते हैं, सर्च इंजिन में भी नहीं आ सकते, ये जो होते हैं उनको कहते हैं डीप वेब, तो ये नीचे है। और एक है तीसरा, वो है डार्क नेट, जिसके बारे में हमारा ये आर्टिकल है, तो डार्क नेट मतलब ये इंटेंशनली हिडन है और ये सर्च इंजिन उनको एक्सेस ही नहीं कर सकते, और इनको एक्सेस करने के लिए ये नॉर्मल ब्राउजर्स भी नहीं, स्पेशलाइज्ड ब्राउजर्स चाहिए, जैसे आप क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर वगैरह,
यूज करते हैं वो नहीं चलेगा, इसके लिए स्पेशल ब्राउजर्स चाहिए। वो स्पेशलाइज ब्राउजर्स होते हैं, ऑनियन राउटर्स होते हैं, वो उनको कहते हैं टॉर। एग्जाम्पल से टॉर है, I2P, तो ये एनोनिमस एक्सेस इंश्योर करते हैं कि किसी को पता नहीं चले कि कौन एक्सेस कर रहा है, कौन सर्विस प्रोवाइडर है। तो ये डार्कनेट कहा जाता है। तो ये डार्कनेट भी एक्चुअली एस्टेब्लिश किया गया है बाय यूएस से ओनली, जैसे इंटरनेट किया गया था तो यूएस एजेंसी से, ये डार्पा, डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी और ऑफिस ऑफ नेवल रिसर्च, तो ये उन दोनों ने मिलके 1990s में ये क्रिएट किया था फर्स्ट टाइम डार्कनेट। तो दिस इज रेजिस्टेंस टू ईवड्रॉपिंग। ईवड्रॉपिंग मतलब कोई कान लगा के सुन नहीं सकता, वो ईवड्रॉपिंग कहते हैं उसको, या तो ट्रैफिक एनालिसिस भी इनका नहीं हो सकता। तो ये डार्कनेट है। तो डार्कनेट के लिए जैसे ही कहा गया ऑनियन राउटर्स यूज करना पड़ता है इनको एक्सेस करने के लिए। तो एग्जांपल्स दिए गए जैसे टॉर है, द फ्री नेट प्रोजेक्ट है, I2P जो हमने देखा, ये सारे स्पेशलाइज्ड ब्राउजर्स यूज करके ये सर्व किए जा सकते हैं और कंप्लीट एनोनिमिटी एंश्योर्ड होती है सर्वर की भी और सर्विस प्रोवाइडर की भी। तो ये डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट जनरली यूज करते हैं और जर्नलिस्ट भी ये यूज करते हैं अगर उनको एक्सट्रीम सीक्रेसी चाहिए। और सिंस ये स्पेशलाइज्ड ब्राउजर्स यूज करके कोई भी यूज कर सकता है, तो क्रिमिनल्स ऑल्सो मेक यूज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। तो अभी ये न्यूज जो है वो ये है कि जो डार्कनेट है वो ज्यादा रोबस्ट है, मतलब ज्यादा सिक्योर है, तो सिक्योरिटी ब्रीचेस इसमें ज्यादा नहीं होगी ये इंटरनेट में जितनी होती है, क्योंकि इंटरनेट जो है वो रिच क्लब है और ये डार्कनेट में रिच क्लब नहीं है। रिच क्लब मतलब एक कोर, सेंट्रलाइज्ड कोर है जो हाईली कनेक्टेड नोड से बना हुआ है। तो इंटरनेट में ऐसे सेंट्रलाइज्ड कोर है, पर डार्कनेट जो है वो डिसेंट्रलाइज्ड है, हाईली डिसेंट्रलाइज्ड। तो यहाँ पे मतलब एक नोड कहीं पे कुछ अफेक्ट भी हुआ तो वो पूरा रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बाकी नोड्स पे और वो फंक्शन इफेक्टिवली करेगा। लेकिन इंटरनेट में अगर एक मेजर नोड कुछ अफेक्ट हो गया सेंट्रलाइज्ड हब में कहीं पे, तो पूरा कास्केडिंग इफेक्ट की वजह से, मतलब जैसे एक एक में प्रॉब्लम हुआ तो आगे दूसरे में प्रॉब्लम हुआ, जैसे डोमिनोज कास्केडिंग इफेक्ट से पूरे गिर जाते हैं ऐसे कुछ, तो वो ऐसे कास्केडिंग इफेक्ट से कोर नोड्स फेलियर हो सकते हैं और इंटरनेट में प्रॉब्लम्स आती है, तो वो डार्क नेट में ऐसे नहीं होता है। तो वो ये रिसर्च के बारे में, ये रिसर्च उसके बारे में बोल दिया गया है। फिर अगला न्यूज आइटम है ब्लैक राइनोज ऑन द ब्रिंक ऑफ एक्सटिंक्शन। तो ये ब्लैक अफ्रीकन राइनोज है, तो एक टाइम पे ये सब सहारन अफ्रीका में बहुत पाए जाते थे, पर अब ये सिर्फ 5 countries में ही पाए जाते हैं, साउथ अफ्रीका, नामीबिया, कीनिया, जिम्बाब्वे और तंजानिया। तो इनका पोचिंग, इनका हंटिंग काफी ज्यादा होता है क्योंकि इनके जो हॉर्न्स है, राइनोस के हॉर्न्स, वो काफी डिमांड में। उनका मतलब एक एक केजी हॉर्न का वैल्यू है $65,000, तो इतना हाई इनका प्राइस है, तो वेरी मच डिमांड में होते हैं। इसकी वजह से इनका पोचिंग होता है और काफी स्पीशीज इनके एक्सटिंक्ट, वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन पे ये स्पीशीज, इसलिए क्योंकि काफी इनका पॉपुलेशन कम हो चुका है। तो जब पॉपुलेशन कम होता है 70% जो है जेनेटिक डाइवर्सिटी एक्चुअली इनकी इरेज हो गई है। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी मतलब कोई भी एक स्पीशीज होती है उनमें जेनेटिक डिफरेंस होता है, कोई भी दो ऑर्गेनिजम्स जेनेटिकली आइडेंटिकल नहीं होते, अगर जेनेटिकली आइडेंटिकल है तो वो क्लोन्स माने जाते हैं। तो मतलब जेनेटिक डिफरेंस होता ही है, जेनेटिक इनहेरिटेंस होता है कि पेरेंट से सिबलिंग को जा रहा है, पर फिर भी वो डिफरेंस होता है। जैसे दो अलग लोग मिलते हैं, अगर दो अलग फैमिली से आते हैं तो जितना अलग हो गए उतना जेनेटिक डाइवर्सिटी आता है, और जितना ज्यादा जेनेटिक डाइवर्सिटी होता है उतना वो स्पीशीज का सर्वाइवल रेट इंक्रीज होता है। तो अगर जेनेटिक डाइवर्सिटी कम हो जाएगा तो स्पीशीज का सर्वाइवल रेट और रिप्रोडक्शन रेट कम हो जाता है। तो ये जो 70% इनकी जेनेटिक डाइवर्सिटी जो इरेज हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, उसकी वजह से ये राइनोज अभी वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन पे आ गए हैं। ये उसके बारे में न्यूज है। अगला न्यूज आइटम है फैमिली प्लानिंग डेथ्स मस्ट नॉट गो अनपनिश्ड। तो ये रिसेंटली जो छत्तीसगढ़ में फैमिली प्लानिंग की वजह से जो डेथ्स हुई है उसके बारे में है, लेकिन हम थोड़ी हिस्ट्री भी देख लेंगे। तो ये रमाकांत राय केस 2005 में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में बात की थी, फैमिली प्लानिंग। तो बेसिकली फैमिली प्लानिंग क्या होता है कि अगर एक कपल है वो डिसाइड करेगा कि हमको अपनी फैमिली में कितने बच्चे चाहिए, तो वो फैमिली प्लानिंग कहते हैं। तो फैमिली प्लानिंग में मतलब वो वुमेन अगर नहीं ज्यादा बच्चे चाहिए तो वो अपना फर्टिलिटी एंड करने के लिए स्टेरिलाइज कराते हैं। तो स्टेरिलाइज मतलब आप आगे प्रेग्नेंट नहीं होते। तो परमानेंट स्टेरिलाइजेशन के दो टेक्निक्स होते हैं एक्चुअली, एक फीमेल पे ऑपरेशन हो सकता है या मेल पे। तो ये दो टेक्निक्स को कहते हैं क्यूबेक्टोमी और वेसेक्टोमी, क्यूबेक्टोमी फॉर फीमेल्स एंड वेसेक्टोमी फॉर मेल्स। जैसे ये फेलोपियन ट्यूब होती है यहाँ पे, तो फेलोपियन ट्यूब को जब कट कर दिया या फोल्ड कर दिया या नो एक नॉट कर दिया, जो ये मतलब यहाँ ये ओवरीज है, तो
तो ये ओवरी में एग होता है, स्पर्म ये फेलोपियन ट्यूब से यहाँ जाके फर्टिलाइज करते हैं। तो अगर ये कट हो गया, फेलोपियन ट्यूब का यहाँ पे पार्ट बंद कर दिया कैसे भी करके, तो उसको ट्यूबेक्टोमी कहते हैं, ट्यूब को बंद कर दिया। तो फीमेल्स का स्टेरिलाइजेशन होता है, और वैसेक्टोमी होता है, ये मेल्स पे होता है। तो जो वास डेफरेंस है यहाँ जहां से स्पर्म्स जाएंगे, तो ये वास डेफरेंस को अगर यहाँ पे वही फोल्ड बेंड कट जो भी किया, तो उस वजह से ये मेल स्टेरिलाइजेशन हो जाएगा। तो ये जो टेक्निक्स है वो फैमिली प्लानिंग टेक्निक्स है। तो इसमें इंडिया में जो ये इनिशिएटिव्स ले जाते हैं उसमें काफी सारे डेथ्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो फीमेल्स पे ये, क्योंकि इंडिया में एक्चुअली टोटल फर्टिलिटी रेट ज्यादा है, टोटल फर्टिलिटी रेट भी हम देखेंगे तो ये है। तो जो ये बीमारू स्टेट्स कहते हैं इनको, ये नेगेटिव एक्रोनिम है पर है, बिहार जैसे बी और फिर मध्य प्रदेश मा और राजस्थान और यूपी, तो ये स्टेट्स और छत्तीसगढ़ झारखंड जो इनमें से ही बने, छत्तीसगढ़ फ्रॉम एमपी, झारखंड फ्रॉम बिहार। तो ये 2000 में ये बाइफोकेट स्टेट्स बाइफोकेट होके ये बने थे नए दो स्टेट्स, तीसरा भी था उत्तराखंड जो यूपी से बना था। तो ये जो स्टेट्स है यहाँ पे आप टोटल फर्टिलिटी रेट देख सकते हैं काफी हाई है। टोटल फर्टिलिटी रेट का मतलब है कि एक लाइफ टाइम में वुमेन कितनी बार प्रेग्नेंट हो गया, कितना उनका फर्टिलिटी रेट होगा। तो ये ऑफकोर्स पॉइंट्स में है, पर इसका मतलब 3.5 चाइल्ड है, बिकॉज इट इज अ स्टैटिस्टिकल फिगर, मतलब तीन से ज्यादा है ये, जैसे तीन प्रेगनेंसी से ज्यादा। तो अब ये जो है टोटल फर्टिलिटी रेट, हमारा इंडिया का टारगेट है कि इसको 2.1 पे लाना है, तो इंडिया का टारगेट है। तो यहाँ पे ये स्टेट्स में काफी हाई है, तो इनको कम करने के लिए ट्यूबेक्टोमीज करवाई जाती है। तो गवर्नमेंट स्टरिलाइजेशन कैंप्स लगाते हैं जिनमें ये फीमेल्स पे ट्यूबेक्टोमीज की जाती है और टारगेट सेट किए जाते हैं। तो जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स वगैरह है या मेकशिफ्ट कैंप्स वगैरह जो होते हैं वहां पे ये किए जाते हैं, और एक दिन में आप देख सकते इतनी सारी ऑपरेशंस होते हैं, और कई केसेस में इनके डेथ भी हो जाती है, क्योंकि अगर इतना फास्ट स्पीड पर ऐसा टारगेट अचीव करना है तो ऑफकोर्स नेग्लिजेंस होगा, तो उसकी वजह से डेथ हो जाती है। और डेथ होने पे इंश्योरेंस भी उनको दिया जाता है, ऑफकोर्स पेमेंट्स किए जाते हैं, तो वुमेन कम फॉरवर्ड एंड गो फॉर दिस ऑपरेशंस। तो यही इसके बारे में न्यूज है। तो ये न्यूज ये है, फैमिली प्लानिंग डेथ्स मस्ट नॉट गो अनपनिश्ड। तो ये पहले हिस्ट्री हम जो देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार इसके बारे में अपना जजमेंट दिया था इन 2005 केस, ये रमाकांत राय केस है। तो यहाँ पे जब यूपी और बिहार हेल्थ वॉच रिपोर्ट में फोटोग्राफ्स आई थी कि वुमेन ट्यूबेक्टोमीज करवाने के बाद स्ट्रॉ पे जमीन पे लेटी हुई है और उनकी ब्लड स्टेन सारीज है, तो ये जब रिपोर्ट आई थी उसमें ये केस फाइल हुआ था, और सुप्रीम कोर्ट ने अपना डायरेक्शंस दिए थे, ऑर्डर दिया था कि जब ये ट्यूबेक्टोमीज की जाए तो क्वालिफिकेशन एम्पैनल डॉक्टर्स का देखा जाए, किया जाए, फिजिकल एग्जामिनेशन होना चाहिए वुमेन का ऑपरेशन से पहले, इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेना चाहिए इनका, मतलब उनको बताना चाहिए कि ये ऑपरेशन हो रहा है, वो कंसेंट दे रहे हैं मतलब हाँ कह रहे हैं, वो लेना चाहिए। क्वालिटी अश्योरेंस कमेटी सेटअप करनी चाहिए, इंश्योरेंस पॉलिसी होनी चाहिए, जैसे अभी हमने देखा इंश्योरेंस अगर कुछ हुआ, कुछ इंजरी हो गई या डेथ हो गई तो इंश्योरेंस मिलना है, कंपेंसेशन मिलना चाहिए उनको इसके लिए क्योंकि ये कर रहे वो ऑपरेशन, और इंक्वायरी होनी चाहिए अगर कोई भी डेथ हुई तो उस पर इंक्वायरी होनी चाहिए। तो ये उन्होंने डायरेक्शंस दिए थे 2005 में इस केस में, रमाकांत राय केस, पर ये ऑफकोर्स इंप्लीमेंट नहीं किए गए। फिर और एक केस आया इन 2012, देविका विश्वास केस। तो ये केस था, ये जब रिपोर्ट्स आई कि एक गवर्नमेंट डॉक्टर ने 61 वुमेन के ऊपर ट्यूबेक्टोमी ऑपरेशन किया एट एन अबैंडेंड स्कूल, मतलब वो स्कूल यूज नहीं हो रही थी, वहां पे नाइट टाइम में बिहार में ये ऑपरेशंस किए गए। तो ये जब न्यूज आई तो ऑल ओवर इंडिया एंड वर्ल्ड वाइड एक शॉक आया कि इतने ऑपरेशंस रात में एक अबैंडन स्कूल में किए जाते हैं, मतलब क्या है हो रहा है। तो ये जब पिटीशन फाइल किया गया तब पता चला कि ऐसे केसेस काफी सारे स्टेट्स में हो रहे हैं। तो ये एक सोशल एक्टिविस्ट देविका विश्वास, उन्होंने पीआईएल फाइल किया, और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंटली सितंबर 2016 में जब अपनी रूलिंग दिया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गवर्नमेंट इस तरह से स्टेरिलाइजेशन कैंप्स नहीं चला सकती है, और उन्होंने कहा कि हम सारे स्टेरिलाइजेशन ऑपरेशन रूरल एरिया में बंद करवा देंगे। तो ये एक धमकी भी सुप्रीम कोर्ट ने दे दी गवर्नमेंट को, और यूनियन गवर्नमेंट ने इसमें स्टेटमेंट दिया इस सुप्रीम कोर्ट में कि हम ऐसे सारे कैंप्स स्टेरिलाइजेशन कैंप्स को फेज आउट कर देंगे, तो वो नहीं होंगे। तो ये तो 2016 अभी की बात है, लेकिन इन बिटवीन दिस केस ओनली, जब ये केस चल रहा था 2014 में छत्तीसगढ़ का ये इंसिडेंट सामने आया, जिसके अंदर नवंबर 2014 में एक सर्जन और एक असिस्टेंट दोनों ने मिलके 80 सर्जरीज की इन 90 मिनट्स। यू कैन इमेजिन 80 सर्जरीज इन 90 मिनट्स। तो ये स्टेट रन फैमिली प्लानिंग कैंप था,
एक अबैंडन्ड बिल्डिंग अगेन इन बिलासपुर छत्तीसगढ़, यहाँ पे ये किया गया। इनमें 24 आवर्स के अंदर वुमेन को सबको एब्डोमिनल पेन होने लगा, 13 वुमेन की डेथ्स हो गई और 65 जो थी उनको इंजरीज हुई। तो ये जो था इंसिडेंट, इस पे अभी ट्रायल शुरू किया गया छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में फॉर द डेथ्स ऑफ दिस 13 वुमेन। तो एक क्रिमिनल ट्रायल है, उसको फिलहाल क्वाश कर दिया गया। रीजन क्या है इसके लिए, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ने परमिशन नहीं दी, क्योंकि गवर्नमेंट था ये, गवर्नमेंट तो उनको स्टेट गवर्नमेंट परमिशन लगती है अगर क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन करना है। गवर्नमेंट ने सैंक्शन नहीं किया, तो सर्जन को गवर्नमेंट छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट बचा रही है। तो ये है जो इंसिडेंट, इसके ऊपर ही ये न्यूज है कि ये अनपनिश नहीं जाने चाहिए जो ये इंसिडेंट हो रहे हैं, तो उसके बारे में उनसे। और एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो देविका बिस्वास केस में ये 2016 में जो जजमेंट है उसमें भी सामने आया था, तो इन्होंने कहा था कि 97% जो स्टरिलाइजेशन प्रोसीजर्स इंडिया में होते हैं वो वुमेन पे होते, 85% जो फैमिली प्लानिंग बजट होता है तो वो वुमेन फीमेल स्टरिलाइजेशन पे ही लाया जाता है, मेल स्टरिलाइजेशन को कोई अटेंशन ही नहीं दिया जाता, और फीमेल्स पे जब ये ऑपरेशन होते हैं उनकी डेथ्स होती है। तो ऐसा क्यों कि सिर्फ फीमेल ही स्टरिलाइज, तो ये पॉइंट को भी लाया गया। और एक पॉइंट थी वो ये था कि अनरियलिस्टिक टारगेट्स रखे जाते हैं कि इतने स्टरिलाइजेशन ऑपरेशंस होने चाहिए ऑन द सर्जन्स ऑन द डॉक्टर्स एक्सेट्रा, तो इस वजह से वो लोग ये स्टेप्स लेते हैं। और इवन नॉन कंसेंशुअल स्टरिलाइजेशन होता है, मतलब उनके पूछा भी नहीं जाता, कंसेंट भी नहीं ली जाती और स्टरिलाइजेशन किया जाता है, फोर्स स्टरिलाइजेशन होते हैं। इवन फिजिकली मेंटली चैलेंज जो है यंग लोग है उनपे भी स्टरिलाइजेशन ऑपरेशन किए जाते हैं, तो ये सारी चीजें भी सामने आई है। तो वही है, अब इस पे क्या आगे स्टेप्स लिए जाएंगे। और ये जो लैपरोस्कोपिक ट्यूबेक्टोमी है, तो ये लैपरोस्कोप यूज किया जाता है, यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो ये जो इमेज होता है अंदर, वो इमेज ये डिस्प्ले करते हैं वीडियो मॉनिटर पे कि इंटरनल ऑर्गन्स यहाँ पे क्या है, और फिर ये सर्जरी की जाती है। तो ये यू कैन इमेजिन 90 मिनट्स में 80 सर्जरीज, व्हाट वुड दे बी डूइंग, मतलब पता नहीं। अगला न्यूज आइटम है डिप्रेशन टॉप कॉज ऑफ डिसेबिलिटी वर्ल्ड वाइड। तो ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एस्टिमेट है, वो कह रहे हैं कि डिप्रेशन इज द लार्जेस्ट डिसेबिलिटी, मतलब ये डिसेबिलिटी काफी हाई रेट पे बढ़ रही है। 2005 से 2015 पिछले 10 सालों में देखो तो 18% इंक्रीज हुआ है, और जो 80% बर्डन है ये डिजीज का वो डेवलपिंग कंट्रीज में, तो काफी लोग इससे अफेक्ट होते हैं। तो जो डिप्रेशन है, तो दो टाइप के मेजर फॉर्म्स है, एक होता है एंजाइटी डिसऑर्डर और एक डिप्रेसिव डिसऑर्डर। सो जो एंजाइटी डिसऑर्डर्स है, मतलब उसमें जैसे कि ओसीडी होता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, क्या आपको लगते हैं एग्जांपल, आपके हाथ हमेशा गंदे तो आप बार बार हाथ धोते रहो, ऐसे कोई डिसऑर्डर होता है तो उसको ओसीडी कहते हैं। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, मतलब कि अगर कोई ट्रॉमा एक्सीडेंट हुआ है उसके बाद स्ट्रेस हो जाता है तो डिसऑर्डर होता है, वो स्ट्रेस की वजह से ये एंजाइटी डिसऑर्डर हो जाता है, तो वो होता है। तो ये जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, पैनिक डिसऑर्डर्स होते हैं, फोबियाज होते हैं, तो वो एंजाइटी डिसऑर्डर्स में आते हैं। और दूसरा होता है डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स। तो जो डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स, मतलब लॉस ऑफ इंटरेस्ट और प्रेजर, तो फीलिंग ऑफ गिल्ट, लो सेल्फ वर्थ, की अपने आप में भरोसा नहीं है, अपने आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, उस वजह से स्लीप डिस्टर्ब होती है, स्लीप अच्छे से नहीं आती है, नींद, फिर एपेटाइट, खाने में एपेटाइट डिस्टर्ब हो जाता है, कंसंट्रेशन पुअर हो जाता है, तो ये सब जो होता है वो डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स होते हैं। इनमें दो कैटेगरीज होती है, एक होता है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर और दूसरा होता है माइल्ड वर्जन, वो होता है डिस्थीमिया। तो ये परसिस्टेंट और क्रॉनिक फॉर्म है पर माइल्ड डिप्रेशन होता है, तो ये भी रहता है, मतलब लॉन्गर टाइम के लिए होता है लेकिन लेस इंटेंस होता है, तो ये डिस्थीमिया कहते हैं इसको। तो ये इंडिया में भी इसका काफी बर्डन है, आप देखो तो इन इंडिया डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स 2015 में 5% पॉपुलेशन इससे अफेक्टेड थी, और एंजाइटी डिसऑर्डर से 3% पॉपुलेशन अफेक्टेड, वो ये डिस्थीमिया है, मतलब लेस सीवियर टाइप ऑफ डिप्रेशन, लॉन्ग टर्म होता है, कंटिन्यूस सिम्टम्स होते हैं, इट कैन नॉट फंक्शन वेल, और वही होता है कि इनको मेजर डिप्रेसिव एपिसोड भी हो सकते हैं लेटर इन लाइफ। फिर अगला न्यूज आइटम है दो द नेट टाइटन्स, इंडिया रिमेन्स हब फॉर टर्टल ट्रेड। तो इंडिया में टॉर्टोइज और फ्रेश वाटर टर्टल ट्रेज और एक्सपोर्ट जो है इलीगली काफी ज्यादा होता है, काफी सारे कंसाइनमेंट अभी सीज भी किए गए थे, और 46% सीजर्स जो है ये गैंगेटिक प्लेन से होते हैं, और मेजरली लखनऊ कानपुर ये मेजर हब्स है, तो ये काफी डिमांड में होते हैं। तो ये बांग्लादेश में
और चाइना साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में काफी एक्सपोर्ट किए जाते हैं यहाँ पे। टर्टल मीट भी खाया जाता है वेस्ट बंगाल बांग्लादेश में, तो ये इंटरनेशनल एक्सपोर्ट होता है इनका। तो ये गैंगेटिक प्लेन्स मेजर रीजन है और ऑल्सो वेस्टर्न घाट्स में भी ये रिवर्स में पोच किए जाते हैं, इवन ईस्टर्न घाट्स में भी ये इलीगली पकड़े जाते हैं और सेल किए जाते हैं, एक्सपोर्ट किए जाते हैं। तो पूरा ये स्मगलिंग होता है। और ये टर्टल जो है इम्पोर्टेंट होता है फॉर रिवर वाटर, क्योंकि ये स्कैवेंजर्स की तरह फंक्शन करते हैं। तो स्कैवेंजिंग मतलब जैसे जो एनिमल्स गंदा खा लेते हैं तो मतलब वो क्लीन कर देते हैं, तो ये वाटर बॉडीज को क्लीन कर लेते हैं। जैसे वल्चर्स होते हैं उनको स्कैवेंजर्स कहते हैं, क्रोज भी एक फॉर्म ऑफ स्कैवेंजिंग है कि वो गंदा जो है वो खा लेते हैं, तो मतलब एनवायरमेंट में से वो निकल जाता है। तो ये भी गंदगी जो है वो खा लेते हैं, तो उससे ये रिवर क्लीन हो जाती है। तो ये दे आर ऑल्सो एन इंडिकेटर कि रिवर हेल्थ कैसी है। तो टर्टल्स जब इतना इलीगल ट्रेड होगा इनका, टर्टल्स और टॉर्टोइस का, तो दिस इज अ कॉज ऑफ कंसर्न। और ऑलरेडी जो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा है उसमें तो एक्चुअली प्रोविजन है कि ब्रीडिंग करना चाहिए टर्टल्स को और इनको फिर रिलीज करना चाहिए क्लीन वेटलैंड्स में, रादर इनको एक्चुअली पकड़ा जाता है यहाँ से और बेचा जाता है, बल्कि ये ब्रीड भी नहीं किए जाते, ये वाइल्ड टर्टल्स को बेचा जाता है एट सच हाई स्केल। तो ह्यूज कंसाइनमेंट्स जो है इनके पड़े जा रहे होंगे। तो वही है, काफी सारे इनमें से स्पीशीज वल्नरेबल है, थोड़े एंडेंजर्ड स्पीशीज भी है। ये इंडियन स्टार टॉर्टोइस है, वल्नरेबल है ये, बाकी सारे स्पीशीज भी दिए गए। 28 स्पीशीज है जो है इंडिया में अंडर थ्रेट टॉर्टोइस और फ्रेश वाटर टर्टल्स के। तो वही है, काफी थ्रेटेंड भी है अंडर IUCN रेड लिस्ट और इनका इलीगल ट्रेड किया जाता है। अगला न्यूज आइटम है लो कॉस्ट सोलर इम्पोर्ट्स फ्रॉम चाइना हर्टिंग सेंटर्स मेक इन इंडिया मिशन। तो ये सोलर इम्पोर्ट्स चाइना से लो कॉस्ट पे मिलते हैं वो होता है क्योंकि एक तो पहले तो सबसे पहले हमने न्यूज में ऑलरेडी डिस्कस किया है कि सोलर पावर टैरिफ्स काफी कम हो गए इंडिया में। ये कैसे कम हुए? इन द रिवर्स ऑक्शन। तो ये ऑक्शन किया गया, रिवर्स ऑक्शन क्या होता है हम डिस्कस करेंगे। रेवा में मध्य प्रदेश में रिसेंटली न्यूज आया था कि सोलर पावर टैरिफ जो है वो ₹2.97 पर यूनिट पे बेचे जाएंगे। तो ये जो है ये रिवर्स ऑक्शन से डिसाइड हुआ। मतलब ऑक्शन क्या होता है, जब हम समझते हैं ऑक्शन कि मतलब कोई प्रोडक्ट है उसको हमको सेल करना है या कोई सर्विसेज है, तो वो सेल पे ऑक्शन पे डाली जाती है। तो बिडिंग होता है, जो जो बायर्स है वो बिड करते हैं, जो सबसे ज्यादा बिड करते हैं उनको वो दी जाती है, तो दैट इज सोल्ड ऑफ एंड दैट मनी इज टेकन। रिवर्स ऑक्शन क्या होता है, उल्टा, मतलब के बायर्स जो है वो बिड नहीं कर रहे, सेलर्स बिड कर रहे। मतलब यहाँ पे जैसे विंड पावर वो सेल करना चाहते हैं, जो सारे कंपनीज वो बता रहे हैं कि हम क्या रेट पे सेल करेंगे, मतलब वो कम से कम बिड करेंगे कि हम इतने रेट पे सेल करेंगे। तो गवर्नमेंट जो है ये बिड ऑक्शनिंग कराती है, रिवर्स ऑक्शन हुआ। सबसे कम जिन्होंने कहा कि इतने कम रेट पे हम सोलर पावर देंगे तो उनको वो बिड दिया गया। तो वही है, इतना 2.97 पे इतने कम पे ये बिडिंग हुई। रिसेंटली हमने विंड पावर टैरिफ का भी देखा कि काफी कम अमाउंट पे ये बिडिंग की गई। तो रिन्यूएबल एनर्जी इतने कम अमाउंट में जब बेची जाएगी तो पावर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन से उनको ये दिया जाएगा और इतने कम रेट में रिन्यूएबल एनर्जी लाई जाएगी इन द ग्रिड। तो ये जो है इनिशिएटिव, मतलब इन्होंने बिड तो कर लिया लेकिन अब ये जो मैन्युफैक्चर करेंगे तो उनको कॉस्ट जो लगेगा उसमें भी उनको कॉस्ट कटिंग करना होगा। तो कॉस्ट कटिंग करने के लिए जो इंडिया में मैन्युफैक्चर किए जाते हैं सोलर पैनल्स वो कॉस्टली होते हैं कंपेयर टू चाइना। तो ऑफकोर्स चाइना से जो चीप इम्पोर्ट है वो किए जाएंगे, इवन क्वालिटी अफेक्ट हो सकती है, इससे वो एक कंसर्न और है। तो वो यहाँ पे हाईलाइट किया गया है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो मेक इन इंडिया मिशन है कि इंडिया में मैन्युफैक्चर किया जाए वो भी अफेक्ट होगा। तो वही जो सोलर पैनल्स होते हैं वो 50% कॉस्ट है पूरे एंटायर सिस्टम का। तो इसीलिए इसका क्या आगे होगा, कंसर्न क्या होगा, इवन क्वालिटी ड्रॉप ना हो इनपुट्स का, ये भी एंश्योर करना जरूरी है। और ये चाइनीज इंपोर्ट जो चीप है ये सिर्फ सोलर पैनल्स के लिए नहीं है, बट इवन सोलर वाटर हीटर्स के कंपोनेंट्स है वो भी चाइना से चीप इम्पोर्ट होते हैं। और यहाँ पे सोलर वाटर हीटर्स के लिए जो कंपोनेंट्स है उनके लिए काउंटरवेलिंग ड्यूटी भी एग्जेम्प्टेड है। तो काउंटरवेलिंग ड्यूटी क्या होती है कि जब कोई कंट्री एक्सपोर्ट कर रहा है, मतलब चाइना एक्सपोर्ट कर रहा है और इंडिया इंपोर्ट कर रहे, तो जो इंपोर्टिंग कंट्री है वो एक ड्यूटी लगा सकती है कि क्योंकि ये एक्सपोर्ट बहुत कम रेट पे हो रहा है, कंसेशन करके चाइना एक्सपोर्ट करवा रही है, तो हम एक ड्यूटी लगाएंगे कि इसके प्राइस थोड़ी बढ़ जाए ताकि ये मार्केट में, जब इंडिया में मार्केट में आए तो ये इतना चीप ना हो। तो जो काउंटरवेलिंग ड्यूटी है वो एग्जेम्प्ट किया गया है फॉर कंपोनेंट्स ऑफ सोलर वाटर हीटर्स। तो इस वजह से जो चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स उनको काफी एडवांटेज हो रहा है इससे और वो मार्केट कैप्चर कर रहे। तो ये भी कंसर्न इंडियन मैन्युफैक्चरर्स ने सामने लाया है।
और उन्होंने ये भी कहा है कि क्वालिटी एंश्योर करने के लिए बीआईएस सर्टिफिकेशन मैंडेटरी करना चाहिए गवर्नमेंट को, ये काउंटरवेलिंग ड्यूटी एग्जेम्पशन भी निकालना चाहिए उनके लिए। तो ये बीआईएस सर्टिफिकेशन होगा, मतलब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का सर्टिफिकेशन होगा, तो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स के लिए कॉस्ट थोड़ा बढ़ेगा, पर वो कर लेंगे, झेल लेंगे, बर्दाश्त कर लेंगे, क्योंकि इससे चाइना जो हमको इतना कॉम्पिटिशन दे रहा है वो कम होगा, क्योंकि चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स इतना कीन नहीं होंगे कि इंडियन सर्टिफिकेशन, वो इंडियन क्वालिटी नॉर्म सर्टिफिकेशन ले, तो वो इससे इसकी वजह से ये बेनिफिट हमको हो सकता है, क्वालिटी भी एंश्योर की जा सकती है। तो ये दो बेनिफिट इससे होते हैं कि बीआईएस सर्टिफिकेशन ना और काउंटरवेलिंग ड्यूटी एग्जेम्पशन ना दो, बल्कि काउंटरवेलिंग ड्यूटी इम्पोज करनी चाहिए, ताकि मेक इन इंडिया भी हो सके, क्वालिटी भी एंश्योर हो, और जैसे बिडिंग में इतने लो रेट्स आए वो लो रेट्स पे कंज्यूमर्स को भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सके हम। तो वही, और ये चाइना में इतना चीप इम्पोर्ट्स हो रहा है क्योंकि उनके पास ओवर कैपेसिटी है, जितना उनकी रिक्वायरमेंट नहीं उससे ज्यादा वो प्रोड्यूस करते हैं, तो वो क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। पहले यूएसए एक मेजर हब था इन सोलर पावर, बट अब चाइना ने उनको ओवरटेक कर लिया है, तो यही है रीजन। तो रेट्स भी देखोगे तो ये सोलर सेल्स के इंडियन रेट्स और चाइनीज रेट्स आप देख सकते हो पैनल्स के लिए, तो वही है सोलर सेल्स जो होते हैं, हाउ सोलर सेल्स वर्क, हमने रिसेंटली भी डिस्कस किया था कि जब सोलर सेल्स यहाँ पे सिलिकॉन से बने होते हैं, तो ये जब फोटॉन्स, लाइट के फोटॉन्स एब्जॉर्ब होते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं, जब रिलीज इलेक्ट्रॉन्स कैप्चर करते हैं तो ये एक इलेक्ट्रिक करंट इज एक्चुअली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो वो इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकती है। तो ये सोलर सेल्स सारे असेंबल होके सोलर मॉड्यूल बनता है, सोलर मॉड्यूल असेंबल होके सोलर पैनल बनता है, सोलर पैनल्स असेंबल होके पूरा सोलर एरे बनता है, और ये पूरा फोटोवोल्टेक सिस्टम है, सोलर फोटोवोल्टेक सिस्टम। और ये काउंटरवेलिंग ड्यूटी के बारे में है, जो आप इंपोर्ट ड्यूटी की तरह आप इंपोज कर सकते हैं, तो इंपोर्टिंग कंट्री इंपोज करती है, अगर एक्सपोर्ट प्रोडक्ट जो है कोई कंट्री एक्सपोर्ट कर रही है वो काफी लो प्राइसेस पे, तो उसको ऑफसेट करने के लिए, उसको इक्वलाइज करने के लिए एक ड्यूटी इंपोज की जाती है। फिर अगला न्यूज आइटम है इंडियन रेलवेज माल्स न्यू परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो इंडियन रेलवेज का जो परफॉर्मेंस इंडेक्स है वो है ऑपरेटिंग रेशियो। तो ऑपरेटिंग रेशियो क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल 2016-17 में इंडियन रेलवेज का ऑपरेटिंग रेशियो एक्सपेक्टेड है 94.9%, ये 5 ईयर हाई है, मतलब हाई ऑपरेटिंग रेशियो इज नॉट गुड, ऑपरेटिंग रेशियो कम होना चाहिए। तो 94.9% का मतलब ये होता है कि अगर इंडियन रेलवेज 94.9 रुपीज लगाएगी, पैसा डालेगी इनपुट, तो उनको आउटपुट 100 रुपीज मिलेगी। और इवन ये साल में ही दिसंबर 2016 तक, मतलब 1 अप्रैल से लेकर दिसंबर 2016 तक, आप सिर्फ इतने टाइम का ऑपरेटिंग रेशियो देखो तो वो 109% था। मतलब इंडियन रेलवेज अगर 109 रुपीज इनपुट करेगी तो उनको 100 रुपीज आउटपुट मिलेगा, तो ये मतलब काफी लॉस में जा रही है, वो क्लियरली दिख रहा है, प्रॉफिट्स रेलवेज के काफी कम है, तो वो यहाँ पे क्लियर है। और इसका मेजर रीजन ये था कि 7th पे कमीशन के रिकमेंडेशंस इंप्लीमेंट किए गए, तो 7th पे कमीशन मतलब जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का पेमेंट्स है वो रिवाइज किए जाते हैं रेगुलरली, तो 7th पे कमीशन के रिकमेंडेशंस जब इंप्लीमेंट किए गए हैं तो सबके पे हाइक हुए हैं, और रेलवेज इज द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन द कंट्री, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है ये सारे, तो इनके पेमेंट्स जब हाइक किए जाएंगे तो ऑफकोर्स इंडियन रेलवेज का जो बजट है वो पूरा जाएगा ही हेवायर, जिसकी वजह से ये पूरा बर्डन उनको लेने की वजह से ये ऑपरेटिंग रेशियो ज्यादा हो गया है। तो ये जो है लोअर ऑपरेटिंग रेशियो मतलब बेटर एफिशिएंसी। तो अब इंडियन रेलवेज कह रही है कि ये ऑपरेटिंग रेशियो तो रिजल्ट ऐसे बता रहा है, मतलब ये क्लियरली बता नहीं रहा है कि परफॉर्मेंस कैसा है रेलवेज का, तो बेटर इंडिकेटर, परफॉर्मेंस इंडिकेटर लाने के लिए एक कमेटी बिठाई गई है। तो ये कमेटी ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स है, तो ये साथ में मिलके ये लोग एक नया फाइनेंशियल रेशियो डिसाइड करेंगे, बेटर फाइनेंशियल रेशियो देन दिस ऑपरेटिंग रेशियो, जो करेक्टली दिखाएगा कि रेलवेज का फाइनेंशियल हेल्थ कैसा है, प्रोफेशनल हेल्थ कैसा है। वो कह रहे हैं कि ये जो है ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड भी नहीं है, ऑपरेटिंग रेशियो नहीं होता है प्राइवेट सेक्टर कॉर्पोरेट सेक्टर में, वो यूज करते हैं एबिटडा। एग्जाम्पल दिया जाए तो ये एबिटडा क्या होता है, अर्निंग्स बिफोर बिफोर इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट पेमेंट, टैक्सेशन, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, तो ये सबसे पहले जो अर्निंग्स होती है वो यहाँ पे दिखाया जाता है। तो अब अमोर्टाइजेशन का मतलब भी होता है कि अकाउंटिंग टर्म है, मतलब कि जब आप एक इनटेंजिबल एसेट को एक कॉस्ट एलोकेट करते हैं, तो ये कॉस्ट क्या है उसका, मतलब जैसे रीपेमेंट ऑफ लोन है तो लोन का प्रिंसिपल रीपेमेंट करना है तो ओवर टाइम कितना उसका कॉस्ट आ रहा है, तो ये उसका एक अलोकेशन ऑफ कॉस्ट कहते हैं अमोर्टाइजेशन। तो वो सारा ये जब है ये सब के पहले जो अर्निंग्स है वो देखना, तो ये एक्चुअली बेटर फाइनेंशियल इंडिकेटर है। तो वो ये
कमिटी साथ में डिसाइड करेगी ये कमिटी कि क्या बेटर फाइनेंशियल रेशियो होगा ऑपरेटिंग रेशियो रिप्लेस करने के लिए फॉर इंडियन रेलवे, तो उसके लिए कमिटी बिठाई गई है। तो वो कहते हैं कि फाइनेंशियल रेशियो जो होगा वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑपरेशंस तो होना चाहिए कि कैसे ऑपरेशंस हो रहे हैं, पर कॉम्प्रिहेंसिव भी होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए और आर्बिट्ररीनेस कम से कम होनी चाहिए। मतलब कि जैसे कुछ चेंज हुआ एक तो आर्बिट्ररीनेस की वजह से थोड़ा कुछ चेंज हुआ एक तो पूरा रेशियो अलग ही दिखता है, तो ऐसे नहीं होना चाहिए, रीजनेबल मतलब कॉम्प्रिहेंसिव और रीजनेबल होना चाहिए। तो ये कॉम्प्रिहेंसिवनेस और आर्बिट्ररीनेस की वजह से अफेक्ट होता है, इसलिए वो कह रहे हैं ऑपरेटिंग रेशियो को रिप्लेस किया जाएगा। और ये सेवेंथ पे कमीशन के रिकमेंडेशन की वजह से आप देख सकते हैं कि जैन टू मार्च पीरियड में ही जो रेलवे सैलरी बढ़ जाएगी तो ये 7100 करोड़ बर्डन आएगा रेलवे पे और इनको 28400 करोड़ एडिशनली चाहिएगा एनुअली। तो ये सेवेंथ पे कमीशन रिकमेंडेशन इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो ये उनका बर्डन है जिसकी वजह से ऑपरेटिंग रेशियो अफेक्ट हो रहा है। फिर ये एबिटडा है, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिप्रिसिएशन अमॉर्टाइजेशन। अगला न्यूज आइटम है इंडिया जर्मनी रेटिफाई सोशल सिक्योरिटी अग्रीमेंट। तो ये इंडिया जर्मनी के बीच में ऑलरेडी एक सोशल इंश्योरेंस पैक्ट था 2008 का, तो अब ये जो सोशल सिक्योरिटी अग्रीमेंट रेटिफाई हुआ है तो ये फर्स्ट में से 2017 से ही इन इफेक्ट आ जाएगा। तो ये 2008 अग्रीमेंट का जो भी प्रोविजन है वो भी इसमें इंक्लूड किया गया है। तो ये जो है डिटैच्ड वर्कर्स जो होते हैं, अगर एक डिटैच्ड वर्कर्स जो है कोई भी दोनों में से कोई भी कंट्री में, उनको सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं करनी पड़ेगी दूसरी कंट्री में अगर वो अपने होम कंट्री में ये कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे खुद की कंट्री में। तो ये प्रोविजन जो था वो अभी इस पैक्ट में सोशल सिक्योरिटी अग्रीमेंट में भी लाया गया है। तो ये पैक्ट जो है वो 2008 का पैक्ट अब आगे से इन्फोर्स नहीं होगा जब ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा, तो इसीलिए इनिशिएटिव्स लिए गए क्योंकि हम ये सोशल ऑलरेडी हमने ये डिस्कस, ये न्यूज इम्पोर्टेंट भी इसलिए क्योंकि ट्रेड फैसिलिटेशन इन सर्विसेज जो हम WTO पे ऑलरेडी प्रपोज कर चुके हैं, इंडिया ने प्रपोज किया है कि ये एक इंटरनेशनल अग्रीमेंट होना चाहिए ट्रेड फैसिलिटेशन इन सर्विसेज, इसको हमने काफी डिटेल में थोड़े दिन पहले ही डिस्कस किया है। तो जब ये अग्रीमेंट ऐसे होते हैं तो इंटरनेशनली होगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से सारी कंट्रीज रेटिफाई करके होगी, तो एक सिंगल अग्रीमेंट से सारे कंट्रीज का एक यूनिफॉर्म लॉ होगा। पर क्योंकि ऐसा अब तक नहीं है इसलिए बायलेटरल अग्रीमेंट्स होते, क्योंकि ये क्या होता है सोशल सिक्योरिटी मतलब के जैसे पेंशन वगैरह के लिए भी कॉन्ट्रीब्यूशन करना पड़ता है वर्कर्स को, तो वो उनके सैलरी से डिडक्ट होता है पेंशन वगैरह के लिए अमाउंट। तो अगर वो कोई और कंट्री में जाके टेम्पररीली वर्क कर रहे तो वहां पे भी वो डिडक्शन हो गए वो कंट्री के रूल्स के हिसाब से लॉज के हिसाब से, क्योंकि एम्प्लॉयर तो करेगा। तो जब ये डिडक्शन हो गए और वो छोड़ के वापस चले जाएंगे तो वो तो उनको डिडक्शन कुछ होता नहीं है, पोर्टेबिलिटी होती नहीं है। तो पोर्टेबिलिटी लाने के लिए लॉज को सिंक करने के लिए ये बायलेटरल अग्रीमेंट्स किए जाते हैं। तो जब तक एक सिंगल इंटरनेशनल अग्रीमेंट नहीं है तब तक ये बायलेटरल अग्रीमेंट्स ही होगी, और ऐसे इंडिया की काफी अग्रीमेंट्स है काफी कंट्रीज के साथ, तो वो ये सोशल सिक्योरिटी अग्रीमेंट जर्मनी के साथ अभी हमने रेटिफाई किया है। टोटलाइजेशन अग्रीमेंट भी इसको कहते हैं, टोटलाइजेशन अग्रीमेंट मतलब कि डबल टैक्सेशन अवॉइड करने के लिए, सोशल सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए जब डबल टैक्सेशन होता है वो ना हो, एक ही कंट्री में उनको कॉन्ट्रीब्यूट करना पड़े, इसीलिए ये टोटलाइजेशन अग्रीमेंट कहा जाता है। तो ये फिलहाल जो है ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने ट्रेड फैसिलिटेशन सर्विसेज में ये मेन प्रोविजन है तो हमने एम्फसाइज किया है कि पोर्टेबिलिटी देनी चाहिए वो है। तो ये लिखा है दे एंश्योर कि एम्प्लॉय डू नॉट फेस डिडक्शन इन बोथ होम कंट्री एंड कंट्री वेयर ही वर्क्स, तो डबल डिडक्शन नहीं होना चाहिए। फिर अगला न्यूज आइटम है सेटिंग फूट इन डीप स्पेस। तो ये नासा यूएस स्पेस एजेंसी है, उन्होंने अभी अनाउंस किया है कि वो कंसिडर कर रहे हैं कि हम एस्ट्रोनॉट्स को भी भेजे हमारे ओरायन डीप स्पेस कैप्सूल जो है, तो डीप स्पेस कैप्सूल ओरायन ये मून को ऑर्बिट करने के लिए प्लान किया जा रहा है मिशन। तो ये एक्सप्लोरेशन मिशन 1 EM-1 कहा गया है, इसको नाम दिया गया, ये 2018 के लिए शेड्यूल है। तो ये अनमैन्ड मिशन था एक्चुअली, पर अब कंसिडर कर रहे हैं कि एस्ट्रोनॉट्स को भी डाले। एक्चुअली EM-2 जो था सेकेंड फ्लाइट ओरायन की जो होती वो 8 डे मिशन 2021 में होता, ये मैन्ड मिशन है। तो ये करंट प्लान ये है, तो अब ये कंसिडर कर रहे हैं कि EM-1 में ही मैन्ड मिशन बनाया जाए इसको। तो ये जो कैप्सूल है ये डीप स्पेस कैप्सूल, तो ये नासा क्लेम कर रही है कि दिस विल बी द फार्थेस्ट एक स्पेसक्राफ्ट गई है विथ ह्यूमंस। तो ये एक्चुअली इवेंचुअली टारगेट किया जा रहा है फॉर मार्स, कि मार्स पे ये एस्ट्रोनॉट्स को लेके जाए, तो वो टारगेट मेन वो है। पर अभी मून के लिए भी ये सोच रहे हैं कि हम एस्ट्रोनॉट्स को भेजे साथ ही,
और ये स्पेस कैप्सूल मतलब इट विल बी द स्टेइंग इन स्पेस लॉन्गर देन एनी शिप फॉर एस्ट्रोनॉट्स विदाउट डॉकिंग. मतलब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो डॉक्ड होता है, तो स्पेस शिप डॉक कैप्सूल डॉक करके फिर वहां पे लोग रहते हैं, पर ये विदाउट डॉकिंग कैप्सूल में ही सबसे ज्यादा टाइम के लिए एस्ट्रोनॉट्स जो स्पेस में रहे वो यहाँ पे हो गए इस ओरायन स्पेस कैप्सूल में जो प्लांट है. और इवन इट विल रिटर्न होम फास्टर फास्टर एंड हॉटर, तो वो जब एटमोसफेयर से मूव करते तो हीट भी जनरेट होती है, तो इट विल फास्टर एंड हॉटर देन एवर बिफोर. तो ये उन्होंने ओरायन डीप स्पेस कैप्सूल प्लान किया है, वही है इसके बारे में ये न्यूज है. तो ये है send astronauts on round trips to the moon and even Mars in the decades ahead. Phir agla news item hai, the last one. Dietary prebiotics may improve sleep quality. To ye prebiotics jo hote hai, wo dietary fibers hai. Matlab jab hum jo khana khate hai, to uske andar jo fibers hote hai, to usko kehte hai ye dietary fibers. To ye food mein paya jate hai, jaise ki raw garlic hai, onions hai, artichokes hai, to ye vegetables hai, inme ye paaye jaate hai. To ye jab consume karte hai, to prebiotics are actually food for good bacteria. To jo gut hai, intestine se, isme jo good bacteria hai, inke liye food hote hai. To prebiotics matlab hi wo hota hai, ki ye bacteria ki food hai. To ye gut ki health improve karte hai. To ye, jab ye consume karte hai, to ye bacteria multiply karte hai gut mein, aur ye overall gut health improve hota hai. तो अब एक रिसर्च ये हुई है कि ये जब डायट्री प्रीबायोटिक्स खाए जाते हैं कंज्यूम किए जाते हैं और गट हेल्थ इंप्रूव होती है, तो इससे नॉन आरईएम और आरईएम स्लीप भी इंप्रूव होती है. तो जो स्लीप पैटर्न्स होते हैं रैपिड आई मूवमेंट और नॉन रैपिड आई मूवमेंट, तो ये जो स्लीप पैटर्न्स है ये अफेक्ट होते हैं अगर स्ट्रेस होता है. तो अगर ये डायट्री प्रीबायोटिक्स खाया जाए तो ये स्लीप पैटर्न इंप्रूव होता है और स्ट्रेस से रिकवरी जनरली होती है. तो ये एक रिसर्च से सामने आया है. प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स जो टर्म्स होते हैं उनमें डिफरेंस होता है. प्रीबायोटिक्स मतलब फूड फॉर बैक्टीरिया, कि इसमें जो डायट्री फाइबर्स है ये बैक्टीरिया के लिए फूड है. और प्रोबायोटिक्स जो होते हैं मतलब लाइव बैक्टीरिया खुद, नॉट जस्ट द फूड, दिस इज लाइक लाइव बैक्टीरिया जो खुद प्रेजेंट होते हैं. जैसे कि एग्जाम्पल कर्ड्स है, योगर्ट है, तो उसमें लाइव बैक्टीरिया होता है, तो ये भी एक्चुअली गट के लिए गुड होता है. तो ये प्रोबायोटिक्स एक्टिव बैक्टीरिया, ये फूड फॉर बैक्टीरिया. और जो टर्म सिनबायोटिक्स है मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन, प्रो और प्रीबायोटिक का कॉम्बिनेशन होता है, उसको सिनबायोटिक्स कहते हैं. तो यही है आज के न्यूज आइटम्स. थैंक यू.